इंग्लिश लर्निंग सेंटर में अमेजोन के कोर्सेज के साथ साथ आप जो है इंग्लिश लर्निंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर सीख सकते हैं और फर इंग्लिश बोलने के आप काबिल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक माह में। अमेजोन का कोर्स करें और मजीद इस सेंटर में क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ आए। इस हालात में अगर आपको डॉलर कमाने का मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये मेरे को लोगों ने बताया कि आप इधर आए, बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं आप घर बैठे खुद, और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि लोग आए एडमिशन लें इधर। अभी 150 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आइल्स और पीटीए की प्रिपरेशन है, वो भी क्लासेज चल रही हैं, अमेजोन की क्लास है, आजकल अमेजोन बहुत अच्छा जा रहा है। सर ओएस मिठानी साहब कराची से यहाँ पर आ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे को हमारी क्लासेज चले और 1 मंथ का कोर्स है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसिफ अली डायरी अब फिर वापसी आ गया हैदराबाद में, आप ये डोम सेंटर आपका अपना है, आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज अवान है, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 में मौजूद हूँ, डोम इंग्लिश लर्निंग सेंटर में। यहाँ पर जो है वीए एकेडमी लॉन्च की गई है, कुछ महीने हो चुके हैं इसको लॉन्च किए हुए। वीए एकेडमी में आप जो है अमेजोन का कोर्स सिर्फ एक महीने में कर सकते हैं और वो भी बहुत ही मुनासिब कीमत में, आप घर बैठे जो है हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। और ये एकेडमी जो है आपको इस बात की गारंटी देता है, आपको एक बेहतरीन सेलर बनाता है और इंटरनेशनल मार्केट में आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। एशियन न्यूज़ के तवज्जो से अगर आप इस सेंटर में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलने वाला है। मज़ीद क्या क्या है इस सेंटर में आइए जानते हैं। जी तो डोम इंग्लिश लर्निंग सेंटर के अंदर आ चुके हैं और अंदर क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो है इंग्लिश सीख रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। हाय मेरे साथ सर, अपना तारुफ करवाइए और क्या एक्टिविटीज यहाँ पर की जाए। My name is Zeeshan Ahmed Khan and I'm an English language teacher over here, and we are doing some activities like listening activities, whether our students can pick up the calls from the other persons or not, whether they are improving their listening skills as well or not, whether they are improving their listening skills or not. So I'm trying to get into that activity and they are trying to improve their skills as well. सर आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, आप डोम इंग्लिश लर्निंग सेंटर इन स्टूडेंट्स को गारंटी करता है कि हम आपको भी इस तरह की इंग्लिश सिखाएंगे? डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ आर ऑनेस्टी यू नो टू डिलीवर आवर यू नो स्किल्स टू इन टू देयर माइंड्स, यू नो टू आवर स्टूडेंट्स माइंड, बिकॉज आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसफर माई नॉलेज एंड स्किल्स इन टू द स्टूडेंट्स माइंड, एंड स्टूडेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीव, to get, to catch the knowledge and to practice, you know, to motivate themselves and to produce the better result. माशाल्लाह सर से बात करी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और यहाँ पर मैं हैदराबाद की यूथ को कहना चाहूँगा कि इस सेंटर में लाजमी आए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कौसर सईद। दिस सेंटर इज़ वेरी गुड एंड एनवायरमेंट एंड टीचिंग स्किल्स आर वेरी गुड। तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है सेंटर में, कब से आप यहाँ पर आप ज्वाइन किए आपने और इंग्लिश वगैरह कैसी चल रही है? इंग्लिश यहाँ की माशाल्लाह बहुत अच्छी है और मेरे 2 मंथ्स क्लियर हो गए हैं, मेरा ये थर्ड मंथ स्टार्ट है। और मैं जब से सेंटर में आई हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी मैं इंग्लिश बोल सकूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ सेंटर में आई हूँ तो अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अगर मेरे से कोई भी इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करे या बात करे तो आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। और जो यहाँ के ऑनर्स और टीचर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सर आसिफ, वो बहुत रिस्पेक्टेबल भी हैं और वो बहुत, और इस सेंटर का जो माहौल वगैरह इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फैमिली है, और जो हमारी टाइमिंग है सेंटर की वो भी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। तो मैं हर जो भी हमारी एरिया की और हमारी हैदराबाद की गर्ल्स हैं तो मैं उसको कहूँगी यू शुड कम टू इन दिस सेंटर एंड टेक एडमिशन इन दिस सेंटर, बिकॉज दिस सेंटर इज़ वेरी गुड टू लर्न इंग्लिश एंड स्किल्स। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह लड़की का कॉन्फिडेंस आप चेक कर सकते हैं। स्पेशली मैं उन वालदेन से मुखातिब हूँ जो अपने बच्चों को घर पर बिठा कर रखते हैं, उन्हें इन सेंटर्स में भेजें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवेस मिठानी है और आई एम फाउंडर ऑफ वी एकेडमी,
और यहाँ हम हैदराबाद में अमेज़ॉन एक्सपर्ट कोर्स करा रहे हैं जो कि एक महीने का है, और एक महीने में हम टोटल 10 क्लासेस पर मुश्तमिल पूरा एक महीने का कोर्स है। इसके अंदर आपको अमेज़ॉन के अंदर बिज़नेस करना सिखाएंगे हम, और अमेज़ॉन के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट डॉलर कमाना सिखाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप ये इसके अंदर सीख सकते हैं अमेज़ॉन के अंदर। जैसे कि आपको पता, हालात कराची के और पाकिस्तान के पूरे इतने माशाल्लाह से वर्स कंडीशन में जा रहे हैं कि अगर आप 1,00,000 रुपए भी अगर अपने अकाउंट में रखेंगे तो उसकी वैल्यू अगर 6 महीने के बाद तकरीबन 60-70,000 रुपए रह जाएगी। तो इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, उस टाइम अगर आपको डॉलर कमाने का मौका मिल जाए, मतलब इस हालात में अगर आपको डॉलर कमाने का मौका मिल जाए, तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा ये। और मैं चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम यूथ को ख़ास तौर पर, कि वो जॉब्स ना करें, बिज़नेस करें, और अमेज़ॉन में बिज़नेस करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, डॉलर में इनकम होगी। और माशाल्लाह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह से इनकम है अमेज़ॉन के अंदर, और हमारे रिव्यू सेक्शन भी देख सकते हैं फेसबुक के अंदर उनके अंदर, उसमें भी आपको बहुत अच्छा जो है नज़ारा मिल जाएगा। जी, आप लोग ज़रूर आएँ, यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। हमारा नंबर तो आपको नीचे नज़र आ गया होगा, और एड्रेस जो है लतीफ़ाबाद 10 नंबर, ये बाइको पेट्रोल पम्प है, इसके बिल्कुल अपोजिट कब्रस्तान भी लगता है एक बराबर में। तो आपको ये निशाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो कांटेक्ट करें और जल्दी आएँ हमारे रिसेप्शन में। हमारे कुछ आपको इंशाल्लाह वीएस मिलेंगे, उनसे आप रब्ता करें, और वो अमेज़ॉन के कोर्स के हवाले से आप अपने आप को इनरोल करें और अपना फ्यूचर जो है वो रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सनिया, आई एम मैनेजर ऑफ डॉम इंग्लिश लर्निंग सेंटर हैदराबाद। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर सेंटर, यहाँ पर जो है हम बहुत सी जो है हमने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। यहाँ पर जो है गुड इन्वायरमेंट है, क्वालिफाइड टीचर हैं जो टीच करवा रहे हैं। 3 मंथ का जो बेसिक कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, ये हमने बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र किया है, और सर ज़िशान हैं जो यहाँ पर टीच करवाते हैं। और 1 मंथ का जो है आइल्स ऑफ़र किया है हमने, और जो है अमेज़ॉन है, सर अवेद मिठानी है कराची से, VA के यूट्यूबर हैं, वो भी हैं यहाँ पर अमेज़ॉन का कोर्स कराते हैं। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड तो यू कैन कम एंड जॉइन अस दिस सेंटर। जी, तो डॉम इंग्लिश लर्निंग सेंटर के ऑनर आसिफ अली डायरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक निजी इदारे में इनकी 7 से 8 साल की खिदमात हैं, और डॉम इंग्लिश लर्निंग सेंटर के हवाले से इनसे तफसीली बात भी करेंगे। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे इनके अंडर पढ़ चुके हैं, और अभी एक अच्छे मुकाम पर हैं, और वो जो है एक अच्छी पोस्ट पर भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डॉम इंग्लिश लर्निंग सेंटर का जो ये इदारा है, ये कैसे वजूद में आया, और आपने जो एक निजी इदारे में इतनी अपना जो एक टाइम दिया है, इतने स्टूडेंट्स आपके अंडर पढ़ के जा चुके हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा मुझे बताइए। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आइए, यहाँ तशरीफ लाए। और असल में मेरी एक जर्नी है, एक मेरी हिस्ट्री है, और मैं यहाँ पर जो है ना सेल्फ मेड बंदा हूँ, और मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं 7-8 साल एक निजी इदारे में मैंने काम किया है, जो पाकिस्तान नंबर 1 का इदारा है, और लाखों बच्चे पढ़ाएँ, और वहाँ पर मैंने एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म में मैं रहा हूँ, और मेरी एडवांस लोगों में ट्रेनिंग हुई है। और वो बोलते हैं ना, नोबडी टीच यू, इफ़ यू वांट, इफ़ यू ट्राई देन यू लर्न समथिंग। सो कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप अपने आप को नहीं सिखाएं। तो मैंने अपने आप को सिखाया, मैं डिफरेंट लोगों में रहा हूँ, और लाखों यानी एक पब्लिक डीलिंग में आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मैंने इस लैंग्वेज को मैंने खुद पढ़ा है, खुद सीखा है, और इसके ऊपर मेरी बड़ी रिसर्च हुई है। अब आते हैं घर बैठे डॉलर कमाने के ऊपर। अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करता है, आप लाखों डॉलर, हज़ारों डॉलर अपने घर बैठे कमा सकते हैं। तो सर, मुझे अमेज़ॉन के हवाले से बताइएगा कि अमेज़ॉन तो पाकिस्तान को पहले वो लिस्ट में था ही नहीं, पाकिस्तान अमेज़ॉन की, अब अमेज़ॉन पाकिस्तान जो है अमेज़ॉन की लिस्ट में आ चुका है, आप सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल गई हैं। इस हवाले से यूथ जो डीमोटिवेट होकर घर पर बैठी हुई है, इसके हवाले से मुझे थोड़ा ये यकीन करें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कम ड्यूरेशन है, 1 मंथ 10 क्लासेस, ठीक है। और मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं, माशाल्लाह से वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं घर बैठे। अब देखें, आजकल आपको पता है, अगर हमारी बहनें जॉब करने जाती हैं तो बड़े एफर्ट दिखाती हैं, 15,000-20,000-25,000 की जॉब, मगर वही जो घर में बैठी है, जो हाउस वाइफ हैं, और जो है ना जो हमारे बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं, या वो स्टडी दायरे, आपको पता है अगर यूनिवर्सिटी के साइड जा रहे हैं, कॉलेज के साइड जा रहे हैं, तो उनके पास पैसा नहीं होता।
तो अगर वहाँ से 50,000 एक लाख अगर कमाएंगे तो अपने ऊपर लगाएं, उनके अपनी स्टडी करने में आसानी होगी। और घर बैठ के आप 50,000-60,000-40,000 कमा रहे हो तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सबको सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ऐसे यतीम भी डिसेबल भी पढ़ाए फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो बेचारे नीडी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको डिस्काउंट स्पेशली डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी भी अगर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो मेरे जो बहनें मेरे जो भाई हैं वो आप यहाँ पर आएँ और आपको आप जो है ना पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये डोम सेंटर उनके साथ भी खड़ा है। क्या बात है, डोम सेंटर जो है चाहे डिसेबल पर्सन हो, यूथ हो, हर उम्र का लोग यहाँ पर जो है आ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, मैं खुद एक यूथ हूँ, मेरी भी कम उम्र है और इस तरह के ऑनर्स, इस तरह के टीचर्स मैंने बहुत कम देखे हैं। तो मैं भी देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है इस डॉम इंग्लिश लर्निंग सेंटर में आएँ, इंग्लिश सीखें, अमेजोन के कोर्सेज करें, आइल्स के कोर्सेज यहाँ पर करें, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दिए गए नंबर्स पर आप पर रابطہ कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अरबाज़ अवान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एशियन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।